हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और स्वागत है एक बार ही आपके अपने चैनल हेमंत टेक ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो 2023 का यानी कि 2023 का जो टॉप जो 1.5 यानी कि 1.5 टन का जो एसी है जो इस पर बहुत ज्यादा सेलिंग में, उसका ब्रांड और मॉडल दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्राइस वगैरह सारा, उसका क्या फीचर है तो उसके बारे में बताएंगे। ब्रांड है दोस्तों गोदरेज। अब चलते हैं हम हमारे एसी की तरफ। ये है दोस्तों हमारा गोदरेज का एसी जो हमने इंस्टॉल करा लिया है। अब इसमें ऊपर क्या क्या इंडिकेशन है मैं वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो ईओएन इन्वर्टर, इन्वर्टर एसी है, ठीक है। और जो सेल्सियस पे ये है अपना 24, इसमें आपको नजर आ रहा होगा यहां पे डिस्प्ले में, ये देखिए, ठीक है। ब्रांड हमारा आ गया है गोदरेज। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर की। तो ऊपर आपको पहले नंबर पर नजर आ रहा है 100% कॉपर कंडेंसर और टायर ईयर वारंटी ऑफ कंप्रेशर। बाकी सारी ये 52 डिग्री सेल्सियस को भी कूल करता है। कार्बन फिल्टर्स, एंटीवायरल फिल्टर्स, ब्लू फिन्स, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, सेल्फ क्लीनिंग और दोस्तों लॉन्ग पाइपिंग। अच्छा, अब साइड में चलते हैं, मैं आपको उसमें एक चीज और दिखाता हूं, फिर मैं बाद में हम इसको चालू करेंगे। तो यहां ये आप देख रहे हो, ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। रेटिंग की हम बात करें तो 5 स्टार रेटिंग इसमें आती है दोस्तों। दूसरा, पावर सेविंग गाइड में आपको मिल जाता है, ये मैं थोड़ा पास से दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। यहां पर आपको मिल जाता है अप्लायंसेस टाइप RAC स्प्लिट, ब्रांड गोदरेज, मॉडल आपका है ये GIC 1BTT C5 WVA 2022, ठीक है, 2022 का मैन्युफैक्चरर है। और बाकी इस साल 2023 में भी काफी ज्यादा सेल हो रहा है। कूलिंग कैपेसिटी 100% है, 5100 वाट कूलिंग कैपेसिटी, 50% 2550 वाट और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 840.20 यूनिट पर ईयर। कंप्रेशर टाइप वेरिएबल स्पीड, हीट पंप नो, ठीक है। अब ये तो हुआ इसका ये। अब मैं इसको एक बार आपको चालू करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले जब इसको चालू करेंगे, ठीक है, इस टाइप से हमने ये वेंटिलेशन है इसको बंद किया हुआ है, ठीक है। यहां पे इंस्टॉलेशन हमारी इसकी यहां कंप्लीट हो चुकी है। अब चालू करता हूं मैं इसको, MCB उठा देता हूं यहां से। ये आप साउंड देख सकते हो, ऊपर ये बना हुआ भी आ गया है, ठीक है। रेड कलर का साइन, इसके लिए हमें रिमोट की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मेरे हाथ में इस टाइम रिमोट है, ये रहा, ये आप देख सकते हो। मैं इसको आपको पॉलिथिन से बाहर निकाल के दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका रिमोट है। रिमोट की मैं बात करूं तो दोस्तों रिमोट काफी वेरिएबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत काफी अच्छा लगा मुझे रिमोट इसका, ठीक है। ये इसके सेक्शन है पावर, फैन और ये 5-in-1 कन्वर्ट। बाकी ये दोस्तों सेंस, आई सेंस, स्लीप, टर्बो, ये बाकी अदर फीचर हैं। सबसे पहले हम बीच वाला दबा लेते हैं, पावर कर लेते हैं ऑन 27 पे दोस्तों, अभी ये है। और जो मेन चीज जो देखी जाती है ना, कूलिंग। दोस्तों कूलिंग जो है वो इसकी मुझे देखनी है कि कितनी देर में ये करता है। तो अभी इसका ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड आफ्टर लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 25 से 30 सेकंड के अंदर ये अपना वर्क करने लग जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। तो अभी ये जो आप देख रहे हो, मुझे इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, मुझे तो काफी पहले से तो बेहतर लगी, क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व कर चुका हूं। बाकी मैं आपको बताता हूं, अभी जैसा कि ये चल रहा है यहां पे हम देख सकते हैं, अभी ये कूलिंग इतनी थोड़ा टाइमिंग लेता ही है, कोई भी एसी हो तो कूलिंग में अपना टाइम ले गई। फिलहाल हम, मैं आपको दिखाता हूं पास से, ये देखिए, ये इसमें स्टार्ट हो गया है 27 डिग्री पे, इसको अभी हमने रखा हुआ है दोस्तों, कूलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। अब इसका जो स्विंग है वो एक, इसमें दो टाइप का स्विंग होता है, एक लेफ्ट राइट और एक होता है दोस्तों इसमें अप एंड डाउन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। तो मेन इसकी जरूरत पड़ती है हमें इस वाले की, अप एंड डाउन की। तो उसके लिए हमारा सेक्शन है ये, हमने थोड़ा टेम्परेचर को थोड़ा और उसमें किया है 25 पे रख के मैं इसको चला रहा हूं। और बाकी इसकी अब मैं देख लेता हूं, इसका वर्टिकल स्विंग को हम चेक कर लेते हैं। ये अपना वर्टिकल स्विंग चल रहा है,
एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल पे हमारा वर्क कर रहा है, ये देखिए ये ऑन हो चुका है। अभी कितना डीपली नीचे जाता है वो भी आपको यहाँ नजर आ जाएगा, थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ, साउंड बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे दोस्तों एसी में साउंड आती नहीं है। फैन जो इसका ब्लोअर है काफी अच्छी रनिंग कर रहा है, कमरा एकदम धीरे धीरे होता जा रहा है चिल्ड। दोस्तों आहा क्या हवा है, बिल्कुल एकदम टॉप एच, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं, क्या कूलिंग है इसकी, मस्त कूलिंग एकदम। तो ये दोस्तों ये ऑन है हमारा 25 डिग्री में, और कूलिंग का इसका जो सेक्शन है वो आपको दिख ही रहा होगा, मतलब एज तो आपको नहीं दिखेगा लेकिन ये है कि कूलिंग इसकी जो काफी बेटर है। और यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये काफी वो है, और इसमें देखा जाए तो काफी। तो दोस्तों आपने देख लिया सारे फीचर मैंने आपको बताए दिए, अब इसके आगे के बारे में हमें राहुल बताएंगे। एक्चुअली ये राहुल मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो इसी ने ये एसी लिया है 1.5 यानी कि डेल्टन स्प्लिट एसी। इसमें और भी वैरायटीज हैं, विंडो भी अवेलेबल है, लेकिन जो गोदरेज का जो टॉप अपना 2023 में जो चल रहा है यानी कि 2023 में, तो उसका ये जो मॉडल है हमारा ये अभी तक का बेस्ट सेलिंग है। और प्राइस की मैं बता दूं आपने कितने का लिया है, ये 37,000 प्राइस है। अच्छा इसमें इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलेशन अराउंड 1500 इंक्लूडेड, जैसे ऑप्शनल में स्प्लिट के अंदर आपका कुछ 5 से कुछ 7 मीटर्स की जो इसमें कॉर्ड आती है जिसे आप कंप्रेसर से कनेक्ट करते हो वो हर एसी में आती है स्प्लिट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी एक्स्ट्रा लगी थी तो उसी का चार्ज लगा था, बाकी इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल से 500 समथिंग ही है। तो आप बताइए आपको इसका, जैसे अभी 25 पे मैंने दिखा दिया अपने व्यूअर्स को, तो ये इसका मतलब कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग वाइज तो बहुत कैपेबल है, कूलिंग बहुत बढ़िया है इसकी। जैसे अभी रेनी सीजन है, अभी तो हमें नीड ही नहीं है, बट मैंने जब भी गर्मी हुई थी बीच में तो काफी सही था, मतलब मैं 28 पे ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि तो अभी जिस हिसाब से आज भी आपने देखा होगा काफी थोड़ी सी रेन वगैरह हो गई है, लेकिन जितना जैसे 52 हालांकि मैंने ऊपर उसमें दिखाया भी आपको मेंशन हुआ 52 डिग्री में भी ये आपको बिल्कुल बेस्ट कूलिंग देगा। मैं ये कहना चाहता हूं भाई 2023 में अगर जो कोई भी खरीदना चाहता है एसी को तो ये गोदरेज का ही खरीदे। मॉडल्स डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, Amazon पे जो इसका बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, Amazon का या Flipkart का जो भी होगा, बाकी एनी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन्होंने कहां से खरीदा है खुद ही बता देंगे। या आई बॉट फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल, इट्स नियर बाय जैसे जहां भी आप जो कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप हो वहां से आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं, बाकी जो इसका जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में जो ऑनलाइन जो। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है राहुल इन्होंने बता दिया इसके बारे में जैसा उनका एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं तो एक्चुअली मैं भी पहली बार गोदरेज का देखा जो इसमें जो मेन जो होता है जब कूलिंग स्टार्ट होती है, बहुत से कमेंट आते हैं ब्लोअर तेज रनिंग कर रहा फास्ट कर देते हैं उसे कूलिंग नहीं कर रहा। अब दोस्तों ब्लोअर से थोड़ी कूलिंग तो उसमें कम से कम आपको 15-20 सेकंड तो छोड़ने ही पड़ेंगे, कोई भी एसी हो वो जब भी आपको कूलिंग देगा। तो मुझे तो एसी बहुत बढ़िया लगा इसमें सेक्शन में, और 37 में दोस्तों बहुत बजट में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में।